सो गाइस बीजीएमआई इतना रेलेवेंट कैसे है, मतलब कि कैसे ये गेम में डेड नहीं हो रहा है। और ये बीजीएमआई तो वैसे है नहीं, ये है वैसे पबजी मोबाइल है, जो कि 6 साल पहले लॉन्च हुआ था 2018 में। और तब से लेके अब तक इंडिया में तो इसका जो क्रेज बना हुआ है ना, वो किसी भी गेम का नहीं बना रखा है। तो ऐसी क्या खास बात है पबजी में जो कि बाकी गेम से इसको टक्कर नहीं दे पा रहे है? बहुत सारे गेम्स लॉन्च होते हैं और खत्म हो जाते हैं और उनको लोग खेलते भी है, लेकिन किसी को भी उतना मजा नहीं आता जितना कि मजा लोगों को पबजी खेलने में आता है। तो ऐसा क्या है पबजी में, पबजी मोबाइल में? इसी की आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे PUBG मोबाइल इतना सरवाइव कर पा रहा है इंडिया में और ग्लोबली भी। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड फटाफट से करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, मतलब कि टेक्निकली भी कैसे यहाँ पे PUBG सरवाइव कर पा रहा है और लॉजिकल थिंकिंग के हिसाब से भी देखेंगे कि कैसे PUBG सरवाइव कर पा रहा है, यानी कि बीजीएमआई सरवाइव कर पा रहा है। जब मैं PUBG बोलूंगा तो समझ जाना कि मैं PUBG बीजीएमआई दोनों की ही बात कर रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं एशिया की, तो एशिया यहाँ पे भाई काफी ज्यादा बड़ा, मतलब कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और एशिया में जो सबसे बड़े दो देश है ना, वो है यहाँ पे चाइना और इंडिया। और इन दोनों ही देशों में PUBG ने बिल्कुल अपने एम्पायर बना रखे हैं, मतलब कि इंडिया में चलता है बीजीएमआई और चाइना में चलता है गेम फॉर पीस है, जो कि भाई PUBG मोबाइल से भी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। और वहाँ पे पहले सारे फीचर्स आते हैं, उसके बाद PUBG मोबाइल में आते हैं, उसके बाद बीजीएमआई में आते हैं। तो दो इतने बड़े देश को कैप्चर करना कोई यहाँ पे भाई आसान काम नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल होता है ये। लेकिन 2018 में लॉन्च होते ही PUBG ने ऐसा क्या कर दिया कि भाई दोनों ही कंट्री में और ग्लोबली भी PUBG मोबाइल इतना फेमस हो गया कि भाई कोई भी यहाँ पे इसकी पॉपुलैरिटी तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो देखो ग्लोबली का तो मेरे को उतना नहीं पता, लेकिन मैं इंडिया का बता सकता हूँ। तो देखो इंडिया में है यहाँ पे काफी ज्यादा मिडिल क्लास लोग, मतलब कि 90% से भी ज्यादा लोग मिडिल क्लास है, जो कि भाई एक पीसी अफोर्ड नहीं कर सकते है। और जो बढ़िया बढ़िया गेम्स है ना PUBG से भी ऊपर लेवल की, लाइक GTA 5 वगैरह हो गई एंड और भी बहुत सारी गेम्स है, मतलब कि जिनके ग्राफिक्स बहुत ज्यादा अच्छे है, जिनको खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, वो सबके सब पीसी लैपटॉप पे आते हैं और प्ले स्टेशन वगैरह पे आते हैं, एक्सबॉक्स वगैरह पे आते हैं, जो कि इंडिया का मिडिल क्लास गेमर बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे मोबाइल गेमिंग बहुत ज्यादा चलती है इंडिया में और इसी वजह से PUBG भी इतना ज्यादा फेमस हुआ है। और अगर आपको ना पता हो तो जो क्रैफ्टन का सबसे बड़ा मार्केट है ना, वो इंडिया ही है सबसे बड़ा मार्केट। अगर इंडिया खत्म हो जाए ना क्रैफ्टन के लिए, तो क्रैफ्टन भी यहाँ पे काफी मुश्किल में पड़ जाएगा। बट हमारा टॉपिक ये है कि बीजीएमआई अभी तक कैसे रेलेवेंट है, PUBG अभी तक कैसे रेलेवेंट है 2024 में। और 2024 को तो छोड़ दो भाई, अब 2025 आ गया, तो मतलब कि 6.5 साल 7 साल होने के बाद में भी इतना रेलेवेंट कैसे है ये गेम? तो इसके पीछे यहाँ पे काफी रीजन है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो पहले टेक्निकल रीजंस की बात करते हैं, तो टेक्निकल रीजंस ये है कि भाई PUBG मोबाइल को और बीजीएमआई को बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज यहाँ पे किया गया है। अब आप बोलोगे कि भाई बीजीएमआई तो बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं है, आप पागल हो गए हो क्या, ये क्या बोल रहे हो? तो देखो ऐसा नहीं है, अगर हम 2018 के PUBG से कंपेयर करें अभी के बीजीएमआई को, तो भाई बहुत ज्यादा गेम इम्प्रूव हो चुका है। और सही बताऊं, अगर आप 2018 के गेम को खेलोगे ना, जो कि उस टाइम का PUBG मोबाइल था, तो आपको बिल्कुल ही मजा नहीं आएगा, वो इतना ज्यादा सिंपल था। और अभी के जो गेम लॉन्च हो रहे हैं ना, वो भी उस टाइम के PUBG मोबाइल से बहुत ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करते हैं। तो टेक्निकली यहाँ पे बीजीएमआई को काफी ज्यादा इम्प्रूव किया गया है, PUBG को काफी ज्यादा इम्प्रूव किया गया है डेवलपर्स की तरफ से, और इतने सारे फीचर्स डाले गए हैं। आप खुद सोचो इतने सारे फीचर्स थे क्या season 1 के टाइम पे, season 2 के टाइम पे। एंड अभी बात करते हैं सेकंड टेक्निकल रीजन की, जो कि है यहाँ पे इसके ग्राफिक्स। ग्राफिक्स में भी यहाँ पे ड्रेस्टिक चेंज आया हुआ है, मतलब 2018 के ग्राफिक आप देखोगे ना इरेंगल मैप के, तो उस टाइम पे अलग ही रंगल मैप था और वो एक इमोशन भी था भाई अगर देखा जाए तो। लेकिन अभी का रंगल मैप भी यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड है पहले वाले से। और टाइम टू टाइम ये लोग चेंजेस भी करते रहते हैं और ज्यादातर ये ई-स्पोर्ट्स को ध्यान में रख के चेंजेस करते हैं, लाइक यहाँ पे रिच बढ़ा देंगे, वहाँ पे रिच कम कर देंगे, ताकि यहाँ पे टीम्स वगैरह को अच्छे से कवर मिले। तो ग्राफिक्स में यहाँ पे काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट करी है डेवलपर ने, जो कि यहाँ पे एक काफी बड़ा रीजन है। एंड मैं सच बताऊँ ना, तो मैंने तो ऑनेस्टली ग्राफिक्स को देख के ही गेम खेलना चालू किया था PUBG मोबाइल, और ग्राफिक्स अगर अच्छे नहीं होते ना, तो मैं सच में भाई नहीं खेलता ये गेम कभी। एंड अभी बात करते हैं थर्ड टेक्निकल रीजन की, तो थर्ड रीजन यहाँ पे ये है कि जो इवेंट्स वगैरह आते रहते हैं और अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं, वो काफी ज्यादा इंगेज करते रहते हैं बीजीएमआई की ऑडियंस को, PUBG की ऑडियंस को। अब इवेंट से मेरा मतलब है जो नए नए मॉड्स आते रहते हैं, जो यहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं, अभी जैसे क्रिमसन कैसल का चल रहा है एंड और भी कई सारे मॉड आते रहते हैं, वाओ मॉड, मेट्रो मॉड, तो ये सब चीजें ना काफी ज्यादा इंगेज करके रखती है नॉर्मल गेमर्स को, जो कि नॉर्मल बीजीएमआई के गेमर्स है। एंड इसी वजह से भाई फिर काफी ज्यादा मजा आता रहता है और ऐसे भी रेलेवेंट रहने में काफी हेल्प होती है। तो ये सब टेक्निकल चीजें अगर किसी भी गेम की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो भाई वो गेम रेलेवेंट रहेगा ही रहेगा। एंड अभी बात करते हैं दूसरी बातों की, मतलब कि लॉजिकली यहाँ पे कैसे बीजीएमआई इतना ज्यादा रेलेवेंट है। तो देखो अभी यहाँ पे काफी ज्यादा रीजन निकल सकते हैं, लाइक इमोशन है बीजीएमआई PUBG बहुत ज्यादा इंडियन ऑडियंस का। जब 2018 में PUBG मोबाइल आया था, तभी यहाँ पे एक टूर्नामेंट अनाउंस हो गया था, वो टूर्नामेंट के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, क्योंकि बहुत ही कम लोग उस टाइम पे खेलते थे। तो नीचे कमेंट करके एक बार बताना
अगर आपको पता हो, उसमें क्रोनटन और पुअर गेमर क्लैन ये दोनों कमेंटेटर थे, तो अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट करके बताना। तो तभी से यहाँ पे ई-स्पोर्ट्स चालू हो गया था एंड इस वजह से फिर बहुत सारे गेमर्स को ऐसा लगने लगा कि भाई हम गेम खेल के भी पैसा कमा सकते हैं, तो हम भी ट्राई करते हैं। और ऐसे करते करते ना बहुत ज्यादा इमोशन बन गया और लोगों को गेम खेलना भी पसंद था और गेम देखना भी पसंद था। इस वजह से ई-स्पोर्ट्स भी यहाँ पे काफी ज्यादा ग्रो हुआ इंडिया में। बट उसके बाद में पबजी मोबाइल क्योंकि इतना ज्यादा फेमस था, इतने ज्यादा टूर्नामेंट वगैरह हो रहे थे, बट उसके बाद क्या होता है पबजी को बैन कर दिया जाता है 2020 में। और तभी बहुत ज्यादा बीच में पबजी के ऑडियंस का दिल टूट जाता है कि भाई ये क्या हो गया अचानक से हमारे गेम के साथ में। बट तब भी यहाँ पे एक होप रहती है कि भाई गेम यहाँ पे वापस आएगा, तब भी बहुत सारे लोग बने रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग एग्जिट भी कर देते हैं, पबजी खेलना बंद कर देते हैं। और उसके बाद शुरू होता है 2021 एंड उसमें भी यहाँ पे काफी ज्यादा वेट करना पड़ता है और फिर लॉन्च होता है बीजेएमआई। और बीजेएमआई लॉन्च होते ही बहुत बड़ी हिट बन जाता है, बहुत ज्यादा वॉचिंग आने लगती है लोगों को और फिर से यहाँ पे पबजी का एक एरा चालू हो जाता है इंडिया में। दोबारा से यहाँ पे टूर्नामेंट्स वगैरह होने लगते हैं, तो बहुत सारे लोग जो पबजी को खेलना छोड़ चुके थे कि भाई गेम तो बैन हो गया, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता करियर वगैरह इसमें, उन लोगों के लिए भी काफी ज्यादा इमोशनल बात होती है जब बीजेएमआई आता है, काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिया वाली बात होती है ये। बट फिर से आपको बताया बीजेएमआई को ब्लॉक कर दिया जाता है जबकि सर्वर्स वगैरह सब कुछ चल रहे होते हैं। तो ऐसे कर करके पबजी ने बहुत ज्यादा यहाँ पे जगह बना ली है इंडियन लोगों के हार्ट्स में, और इसलिए कोई नया गेम भी लॉन्च होता है ना तो भाई इंडियन लोग उसको बिल्कुल भाव नहीं देते, चाहे वो फिर इंडिया का ही गेम क्यों ना हो। तो ये भी एक बात हो सकती है अगर लॉजिकली हम देखें। एंड बाकी लॉजिकली ये भी हम कह सकते हैं कि भाई एडिक्शन है लोगों को, क्योंकि भाई आप खुद सोचो कोई अगर 6 साल से एक ही गेम खेल रहा है तो ऑब्वियस ही बात है थोड़ा बहुत एडिक्शन है ही उसको। एंड बाकी एक यही रीजन होगा कि भाई पसंद होता है। अब वैसे अगर दारू पीने वाले से ही पूछेंगे तो उसको भी दारू पीना पसंद होता है, तो एक तरीके का एडिक्शन ही है गेम्स वगैरह खेलना, खासकर तो बीजेएमआई पबजी जैसी गेम खेलना। और जहाँ पे सबसे बड़ा रीजन अभी के टाइम का मेरे को लगता है एक और यहाँ पे रीजन हो सकता है जो कि है ई-स्पोर्ट्स। मतलब मेरे तो इतने सारे फ्रेंड्स हैं ना जो कि भाई बस ई-स्पोर्ट्स के लिए बीजेएमआई खेलते हैं, तो हमारा भी करियर बन जाए, हम भी मोर्टल स्काउट बन जाए। तो ऐसे भी बहुत ज्यादा लोग हैं। एंड मैंने एक सर्वे भी किया था जिसमें कि मैंने 1500 से ज्यादा लोग से पूछा था कि भाई आप बीजेएमआई किस लिए खेलते हो, क्या रीजन है आपका बीजेएमआई खेलने का, मतलब अभी के टाइम पे 2024 में। तो उनमें ना 70% लोगों ने ये बोला कि भाई हम तो मजे के लिए खेलते हैं बस, ताकि हमें जो स्ट्रेस वगैरह रहता है वो सब कम हो जाए और हम थोड़ा सा यहाँ पे फ्री फील करें। तो इस वजह से 70% लोग बीजेएमआई खेलते हैं ओनली मजे के लिए, फन के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में और स्ट्रेस वगैरह दूर करने के लिए। और 10-15% बंदे खेलते हैं ई-स्पोर्ट्स के लिए कि भाई उनको ना अपने ई-स्पोर्ट्स में करियर बनाना है और वो एकदम सीरियस है ई-स्पोर्ट्स को लेके। और बाकी का 10-15% कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं जिनको भाई वीडियोस वगैरह बनाने में मजा आता है, लाइक मैं हो गया और लाइक आपके फेवरेट यूट्यूबर्स हो गए। तो बस यही तीन टाइप के लोग हैं जो कि भाई बीजेएमआई को खेलते हैं, अदरवाइज कोई भी यहाँ पे रीजन नहीं है। तो इन्हीं सब के बदौलत यहाँ पे बीजेएमआई अभी तक इतना रेलेवेंस में है और आगे भी रहेगा जितना कि मेरे को लगता है। डेड होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वैसे तो हम सबको पता ही है भाई बीजेएमआई में कितने ज्यादा इशूज है, तब भी हम बीजेएमआई खेलते हैं। तो बस और तो मैं क्या ही बोलूं, इन लोगों की रेटिंग गिराओ बीजेएमआई की ताकि ये सब बग्स वगैरह फिक्स हो। एंड आपकी ओपिनियन है बीजेएमआई क्यों रेलेवेंट है, आपका क्या रीजन है इसके पीछे, नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर से बताना। एंड यही था आज की हमारी इस वाली वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना। एंड मैं मिलूंगा आपको ऐसी एक और नई वीडियो में, जहां तक निकले थैंक यू, शुक्रिया एंड बाय बाय।